आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज की खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए पास में बेल आइकॉन दबाइए। पुलिस का छापा, 22 देसी प्लेन क्वार्टर शराब जब्त, वहीं 3 ड्रम महुआ मौके पर नष्ट किया। पार्टी अवैध शराब के कारोबार की शिकायत पर पाटी नगर में सोमवार को पुलिस व राजस्व ने छापेमारी की। पाटी नगर के देरवालिया रोड मोरिया फैला में एक व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस व राजस्व की टीम मौके पर पहुंची, जहां 3 ड्रम महुआ लहन से भरे ड्रम मिले। पुलिस ने महुआ लहन को जब्त कर मौके पर नष्ट किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति शराब लेकर मोरिया फैला की तरफ जा रहा है। जब पुलिस मुखबिर की सूचना पर मोरिया फैला पहुंचकर एक पेड़ के आड़ से देखा तो एक व्यक्ति हाथ में सफेद थैली लेकर मोरिया फैला की तरफ जा रहा था। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। वहीं उसकी थैली चेक किया। उसकी थैली चेक करने पर उसकी थैली में देसी प्लेन के 20 क्वार्टर मिले। वहीं पुलिस ने जब उससे पूछा कि आपके पास शराब बेचने की लाइसेंस है, इस पर व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास शराब बेचने की लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। वहीं उसके कब्जे से 20 देसी प्लेन क्वार्टर भी जब्त किए। इसके बाद पुलिस ने आबकारी एक्ट 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया। इसके बाद उसको जमानत पर रिहा किया। पुलिस ने आरोपी का नाम रितेश पिता प्रधान, जाति बारेला, उम्र 22 साल, निवासी मोरिया फलिया, पार्टी का होना बताया। कोरोना के दस्तक के बाद भी जागरूक नहीं है लोग, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। पार्टी एक और कोरोना धीरे धीरे पार्टी में अपने पैर पसार रहा है, वहीं लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना का पार्टी में दस्तक देने के बाद लगातार संख्या में इजाफा भी हो रहा है। जिले में लगे 3 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के बाद आज बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर ग्राहकों की लगी भीड़ के बीच शारीरिक दूरी का उल्लंघन दिखाई दिया। लोग इस महामारी को लेकर जागरूक नहीं नजर आ रहे। लॉकडाउन में प्रशासन रोड पर आकर अनेक प्रकार की कार्रवाई करता है और लॉकडाउन खोलने के बाद प्रशासन नजर नहीं आता। बैंक में रुपए निकालने आए लोगों के बीच ना तो कोई सोशल डिस्टेंस और ना ही कोई किसी प्रकार का मुंह पर मास्क बांधा हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 8 बजे से बैंक के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें पुरुष और महिला भी शामिल है। बैंक ऑफ इंडिया में रोज पार्टी विकास खंड के लगभग 100 से अधिक ग्रामों के लोग यहां अपना पैसा निकालने आते हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंस की धज्जा उड़ा रही है। ऐसे में प्रशासन को लोगों का जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। वहीं पार्टी में एकमात्र शाखा होने से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं बैंक में 10,000 से अधिक खातों पर रोक लगा दी। केवाईसी की वजह से बैंक में भीड़ लगी है। बैंक की लापरवाही से लोगों को भीड़ में कोरोना वायरस का शिकार बनना पड़ रहा है। बैंक द्वारा होल्ड हुए खातों को चालू कर दिया जाए इतनी भीड़ से बच सके, क्योंकि बैंक के 10 बीसी है जो कि आवंटित ग्राम में जाकर लेन देन करते हैं, जिसके कारण बैंक की भीड़ से बच सके। वहीं अत्यधिक भीड़ के कारण यातायात बाधित नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का मुख्य मार्ग पर होने से लोगों को भीड़ लाइन लग जाती है जो सड़क तक आ जाती है, जिसके कारण यातायात बाधित नजर आता है। वहीं वाहनों को गुजरने में कठिनाई देखने को मिल रही है। जब इस संबंध में मीडिया कर्मी ने बैंक प्रबंधक रंजन प्रकाश से बात की तो बैंक प्रबंधक ने कहा कि लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है, पर हम लोग इस पर समझाने की कोशिश करें, लेकिन लोग समझने को राजी नहीं। दुष्कर्म के प्रयास करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने बस स्टैंड से पकड़ा। पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम घुक्सी की निवासी 17 वर्ष बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने 8 दिन बाद धर दबोचा। एसआई पिंकी सिसोदिया ने बताया कि ग्राम घुक्सी निवासी 17 वर्षीय बालिका के साथ 27 जुलाई को 3 आरोपी द्वारा ज्यादती करने का मामला दर्ज किया था। वहीं आरोपी फरार थे। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। 8 दिन बाद मंगलवार को सुबह मुखबिर की सूचना मिली कि 3 आरोपी पाटी बस स्टैंड यहां खड़े। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, यहां 3 आरोपियों को खड़े हुए देखा। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपी को पकड़कर थाने लेकर आए। थाने से ही उनकी गिरफ्तारी की। इसके बाद मंगलवार को दोपहर ही 3 आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों के नाम कालिया उर्फ कालू पिता लाल सिंह जाति बारेला उम्र निवासी पाटी, ठाकरिया पिता कुटवाल जाति बारेला उम्र 33 वर्ष निवासी पाटी, रोम सिंह पिता रावलिया जाति बारेला उम्र 33 वर्ष निवासी पाटी का होना बताया। इस दौरान थाना प्रभारी संतोष सावले, एसआई पिंकी सिसोदिया, प्रधान आरक्षक अनिल दसोंदी, आरक्षक ईश्वर पचाया का सहयोग रहा।
आदिवासी छात्र संगठन आगामी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को लेकर ली बैठक। पार्टी आदिवासी छात्र संगठन ब्लॉक पार्टी द्वारा आज कातर माता मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर रूपरेखा बनाई गई। छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बंडो ने संबंधित करते हुए कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है और शासन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आदिवासी दिवस अपने अपने गाँव में ही मनाए। वहीं बंडो ने संगठन के कार्यकर्ताओं को बताया कि अपने गाँव के बुजुर्ग महिला पुरुष सहित महिलाओं को इस तरह से इस दिवस के बारे में जागरूक करें कि वह इसका उद्देश्य वहीं उसका उद्देश्य भी बताए कि किस कारण आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वहीं एसीएस ब्लॉक अध्यक्ष विकास जमरे ने कहा कि 1 अगस्त से 9 अगस्त तक साप्ताहिक आदिवासी दिवस मनाए और जो संगठन के कार्यकर्ता से अपील की कि वह छोटे छोटे गाँव में जाकर इस दिवस के बारे में समझाए और बुजुर्ग से आदिवासी समाज की संस्कृति सहित अन्य पौराणिक मान्यता के बारे में जाने। वहीं गाँव के पटेल पुजारा से आदिवासी समाज के बारे में चर्चा करे। प्रकाश बंडो ने युवाओं को बताया कि इस महामारी से बचना है तो आदिवासी की शैली को अपनाना होगा। इसके बाद संगठन ने शिक्षा संबंधित बातें भी रखी और देश में नई शिक्षा नीति को अच्छे से समझने की बात कही। शिक्षा के स्तर पर विशेष कर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के अलग जगाने की सख्त जरूरत है। इस दौरान पार्टी ब्लॉक के संगठन पदाधिकारी ने पार्टी कॉलेज की समस्या भी रखी। छात्रों ने बताया कि पार्टी कॉलेज के पास भवन की व्यवस्था नहीं है। वहीं मॉडल स्कूल के कॉलेज में इस दौरान आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बंडोर, भाईसु सोलंकी, ब्लॉक अध्यक्ष विकास जमरे, भाकीराम सोलंकी, दलित जागरण आदिवासी दलित संगठन से लयाबाई बलराम भाकरिया व सीएस बड़वानी से किताब सिंह, ज्ञान सिंह सहित जयस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।